हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसपिट। पिछले वीडियो में हमने आपसे सवाल किया था, व्हाट इज कुडावोले सिस्टम रिसेंटली मेंशनड इन न्यूज़। तो इसका जवाब है इलेक्टोरल सिस्टम। इस कुडावोले सिस्टम के बारे में और जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए देखते हैं आज के पेपर में क्या स्पेशल है जो हमारे लिए नोट डाउन करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सी स्लग के बारे में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI ने नामकरण किया है एक नए मरीन स्पीशीज का ऑफ हेड शील्ड सी स्लग विथ रूबी स्पॉट, जो कि डिस्कवर हुआ है फ्रॉम दीघा ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उदयपुर ऑफ उड़ीसा कोस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ये स्पीशीज बिलोंग करती है टू जीनस मेलानोक्लैम्स। ये नया स्पीशीज ऑफ हेड शील्ड सी स्लग दुनिया भर में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं और इनका नाम रखा है मेलानोक्लैम्स द्रौपदी। मेलानोक्लैम्स जीनस के स्पीशीज कैरेक्टराइज होते हैं मॉर्फोलॉजिकली बाय अ शॉर्ट ब्लंट एंड सिलिंड्रिकल बॉडी और एक स्मूथ डॉर्सल सरफेस विथ टू डॉर्सल इक्वल और अनइक्वल शील्ड्स नेम्ड द एंटीरियर सिफेलिक एंड पोस्टीरियर शील्ड। ये एक छोटा इनवर्टिब्रेट है विथ अ मैक्सिमम लेंथ अप टू 7 मिलीमीटर। इसका रंग ब्राउनिश ब्लैक है विथ अ रूबी रेड स्पॉट इन द हिंड एंड शेल इनसाइड द बॉडी। हर्माफ्रोडाइट यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों ही मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, नॉर्मली ये क्रॉल करते हैं ऑन द इंटरटाइडल जोन जो कि सैंडी बीचेस पे क्रॉल मार्क छोड़ते हैं। इनका रिप्रोडक्शन अपेरेंटली ऑकर होता है बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। ZSI के अनुसार इस ग्रुप के स्पीशीज जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ द इंडो पैसिफिक ओशन रियलिम, बट 3 स्पीशीज आर ट्रूली ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि मेलानोक्लैम्स पैपिलेट फ्रॉम द गल्फ ऑफ थाईलैंड, मेलानोक्लैम्स बेंगालेंसिस फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा कोस्ट एंड द प्रेजेंट स्पीशीज। लाइफ मेलानोक्लैम्स द्रौपदी एनिमल्स कंटिन्यूसली ट्रांसपेरेंट म्यूकस सीक्रेट करते हैं टू फॉर्म अ शीट जो कि सैंड को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग पैरापोडियल स्पेस। ये क्रॉल करते हैं बीनीथ स्मूथ सैंड टू फॉर्म अ मूविंग कैप्सूल जहाँ पे बॉडी इज रेयरली विजिबल। अब हम बात करेंगे न्यूली इनएक्टेड क्रिमिनल लॉस के बारे में। द 3 न्यूली इनएक्टेड क्रिमिनल लॉस, द भारतीय न्याय संहिता जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड को, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि रिप्लेस करेगा द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को, और द भारतीय शिक्षा अधिनियम जो कि रिप्लेस करेगा द इंडियन एविडेंस एक्ट को, ये सब लागू होंगे ऑन July 1, 2024। भारतीय शिक्षा अधिनियम के सेक्शन 63.4 अनिवार्य करता है एक सर्टिफिकेट को जिसे 2 इंसान साइन करेंगे इंस्टेड ऑफ 1 एज रिक्वायर्ड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला इंसान है द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस और द मैनेजमेंट ऑफ द रेलिवेंट एक्टिविटीज, और दूसरा है एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा बाय स्टेटिंग दैट अ पर्टिकुलर हैश वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर हैश एल्गोरिदम। हैश फंक्शन का मतलब है एन एल्गोरिदम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट्स इनटू अनदर जनरली स्मॉलर सेट नोन एज हैश रिजल्ट सच दैट एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ईट्स द सेम रिजल्ट एवरी टाइम द एल्गोरिदम इज एग्जीक्यूटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज इट्स इनपुट, मेकिंग इट कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फ्रॉम द हैश रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एल्गोरिदम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने IT एक्ट के तहत कोई सूचना जारी नहीं किया है विथ रिगार्ड टू हैश एल्गोरिदम्स फॉर एनक्रिप्शन फॉर द सिक्योर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट लिस्ट SHA-1, SHA-256, MD-5 एंड अदर लीगली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड एज अप्लीकेबल हैश एल्गोरिदम्स। इनमें से MD-5 यानी कि मैसेज डाइजेस्ट 5 और SHA-1 यानी कि सिक्योर हैश एल्गोरिदम 1 में कुछ वल्नरेबिलिटीज मौजूद है, और SHA-256 को कंसिडर किया जाता है एज मोर सिक्योर एंड इसलिए ये यूज होता है बाय एजेंसीज टू एंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। अब हम बात करेंगे वेस्ट पिकर्स के बारे में। March 1 यानी कि इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे को वेस्ट पिकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड होमेज पे करेंगे टू फेलो पिकर्स जिनका मर्डर हुआ था इन कोलंबिया इन 1992। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को इन वेस्ट मैनेजमेंट एज इंडिविजुअल्स और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस दैट इंटरवीन इन वेस्ट मैनेजमेंट विदाउट बींग रजिस्टर्ड एंड विदाउट बींग फॉर्मली चार्ज्ड विद प्रोवाइडिंग वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EPR ने ट्रैक्शन गेन किया है इंडिया में
एज अ मीन्स टू एनहांस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ये ट्रांसफर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल अथॉरिटीज और कमर्शियल वेस्ट प्रोड्यूसर्स को अकाउंटेबल होल्ड करता है। अब हम जानेंगे राज्यसभा इलेक्शंस के बारे में। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के स्टेट्स के राज्यसभा इलेक्शंस ने विटनेस किया क्रॉस वोटिंग बाय एमएलएस बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्टीज। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के तहत हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स टू द राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। द पोस्ट फॉर राज्यसभा विल बी रिक्वायर्ड ओनली इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल 1998 राज्यसभा इलेक्शंस का आउटकम यूजुअली एक फोरगॉन कंक्लूजन होता था। इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स को वेरियस पार्टीज नॉमिनेट करती थी और उनके असेंबली में स्ट्रेंथ के अनुसार कैंडिडेट्स अनअपोज्ड इलेक्ट होते थे। लेकिन जून 1998 में महाराष्ट्र के राज्यसभा के इलेक्शंस में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार गया और इसलिए टू रीन इन द एमएलएस फ्रॉम सच क्रॉस वोटिंग एक अमेंडमेंट टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 किया गया इन 2003। इस एक्ट के सेक्शन 59 को अमेंड किया गया टू प्रोवाइड दैट द वोटिंग इन इलेक्शंस टू राज्यसभा शैल बी थ्रू एन ओपन बैलेट। इसी के चलते पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलएस को अनिवार्य है कि वो अपने बैलेट पेपर उनके पार्टी के ऑथराइज्ड एजेंट को दिखाएंगे। अगर वो अपने ऑथराइज्ड एजेंट को बैलेट पेपर नहीं दिखाते हैं या फिर बैलेट पेपर किसी और को दिखाते हैं तो ऐसे में उनके वोट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। इंडिपेंडेंट एमएलएस को बार्ड किया जाता है फ्रॉम शोइंग द बैलेट्स टू एनीवन। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया थ्रू द 10th स्केड्यूल इन 1985। ये स्केड्यूल प्रोवाइड करती है कि अगर एक मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अपने पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप वॉलेंटरीली गिव अप करता है या फिर वो अपने पार्टी इन हाउस के इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में वोट करता है तो वो लायबल है फॉर डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम सच हाउस। ये इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग इशू किया जाता है बाय द विप ऑफ अ पार्टी। विप पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल होता है जिसका काम है टू एंश्योर पार्टी डिसिप्लिन इन अ लेजिस्लेचर। अब हम जानेंगे इंडिया के पहले फैब के बारे में। यूनियन कैबिनेट ने 3 सेमीकंडक्टर प्रपोजल्स अप्रूव किए हैं टोटलिंग 1,25,600 करोड़, जो कि लोकेट होगा एट ढोलेरा एंड सानंद इन गुजरात और मोरीगांव इन आसाम। ढोलेरा और मोरीगांव की फैसिलिटीज बिल्ड की जाएगी बाय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड। इनमें से पहला वाला इंडिया का पहला फुल फ्लेज फैब्रिकेशन यूनिट कहलाएगा विथ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 50,000 वेफर स्टार्ट्स, जो कि इनिशियल फॉर्म ऑफ सिलिकॉन चिप्स है पर मंथ। ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन यानी कि PSMC इस फैब यूनिट की टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगी। ढोलेरा यूनिट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट चिप्स बनाएंगे विथ 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी और ये चिप्स भी प्रोड्यूस करेगा फॉर पावर मैनेजमेंट, जो कि अकाउंट करता है लार्ज पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर डिमांड। अब हम जानेंगे रेयर डिजीजेस पॉलिसी के बारे में। रेयर डिजीज वो है जो कि लूजली डिफाइंड है एज ऑकरिंग इनफ्रीक्वेंटली इन द पॉपुलेशन और ये वैरी करते हैं नेशन टू नेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO डिफाइन करता है रेयर डिजीज को एज एन ऑफन डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज और डिसऑर्डर विद अ प्रिवेलेंस ऑफ 1 or less per 1,000 पॉपुलेशन। डिफरेंट कंट्रीज के अपने डेफिनेशंस है टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर ओन पॉपुलेशन हेल्थ केयर सिस्टम एंड रिसोर्सेज। फॉर इंस्टेंस US में रेयर डिजीज को डिफाइन किया गया है एज अ डिजीज और कंडीशन जो कि अफेक्ट करता है फ्यूअर देन 2 लाख पेशेंट्स इन द कंट्री, जो कि है 6.4 in 10,000 पीपल। यूरोपियन यूनियन का अपना डेफिनेशन है अफेक्टिंग नो मोर देन 5 in 10,000 पीपल। इंडिया का करेंटली कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीजेस इंडिया ने सजेस्ट किया है कि डिजीज को रेयर डिफाइन करे इफ इट अफेक्ट्स 1 in 5,000 पीपल और लेस। पहला नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस मार्च 2021 में इशू हुआ था, जिसने प्रोवाइड किया एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल अप्रोच टू प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस। ये पॉलिसी ऑल्सो फैक्टर्स इन वेरियस वेज टू लोअर द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बूस्ट इंडिजिनियस रिसर्च।
ये पॉलिसी एनवाइसेज भी करती है क्रिएशन ऑफ अ नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री ऑफ रेयर डिजीजेस एंड इंटरवेंशन एज क्रूशियल एज फंडिंग फॉर ट्रीटमेंट इटसेल्फ एज इट विल प्रोवाइड रिच एपिडेमियोलॉजिकल डेटा टू डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया एंड डिसाइड ऑप्टिमल फंडिंग फॉर रिसर्च इन रेयर डिजीजेस टू. रेयर डिजीजेस पॉलिसी ऑल्सो फोकस करता है ऑन क्रिएशन ऑफ निदान केंद्रस फॉर अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन एज वेल एज प्लान्स टू स्ट्रेंथन एक्सटेंड सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ फैसिलिटीज एट सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस. वर्ल्ड रेयर डिजीजेस डे हर साल फेब्रुवरी 29 को ऑब्जर्व किया जाता है. जनरल अवेयरनेस के साथ साथ वोकैबुलरी भी जरूरी है. तो अब हम जानेंगे कुछ नए वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में. सबसे पहला वर्ड है लेविटी. इसका मतलब है लैक ऑफ सीरियस थॉट, फ्रिवोलिटी, अनबिकमिंग जोक्युलैरिटी. दूसरा वर्ड है नेवी. ये एक लेबरर है जो कि एम्प्लॉयड है इन बिल्डिंग और एक्सकावेटिंग रोड्स, कैनल्स एक्सेट्रा. आज का आखिरी वर्ड है ऑडम्ब्रेड. इसका मतलब है डिस्क्राइब रफली और ब्रीफली और गिव द मेन पॉइंट्स और समरी ऑफ गिव टू अंडरस्टैंड. अब हम जानेंगे कुडावोले सिस्टम के बारे में. तमिलनाडु के रिपब्लिक डे परेड 2024 ने फीचर किया कुडावोले सिस्टम, जो कि एक एंशंट इलेक्टोरल मेथड है डेटिंग बैक टू द 10th सेंचुरी चोला एरा. डॉक्यूमेंटेड इन उथिरामेरू इंस्क्रिप्शंस, ये एम्प्लॉयड है टू इलेक्ट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेटिव्स. ये सिस्टम इन्वॉल्व करता था डिवाइडिंग विलेजेस इंटू वार्ड्स विथ रेसिडेंट्स चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू अ यूनिक प्रोसेस. कंटेस्टेंट्स नेम्स ऑन पाम लीफ टिकट्स, यानी कि वोलई, जो कि प्लेस किया जाता था इन अ पॉट यानी कि कूड़ा, एंड द बॉय सिलेक्टिंग टिकट्स टू डिक्लेयर इलेक्टेड लीडर्स. तमिलनाडु के टैब्ल्यू ने इस हिस्टोरिकल सिस्टम को शोकास किया और थर्ड बेस्ट अवार्ड हासिल किया. आज के लिए बस इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होगी. जाते जाते आपके लिए एक सवाल है. वेयर वॉज द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रमोशन ऑफ सी वीड कल्टिवेशन हेल्ड? इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.